कोरोना योद्धा के तौर पर लगाए गए सीएचए अब अपने मेहनताने के लिए इधर उधर भटकने को मजबूर हो रहे हैं। राज्य सरकार ने आनन फानन में इनकी भर्ती तो कर दी, मगर वेतन कौन देगा इसका आज तक कोई निर्णय नहीं हुआ, जिसके कारण सीएचए कर्मी चिकित्सा विभाग और नगरीय निकायों के बीच फुटबॉल बने हुए हैं। इसको लेकर आज सीएचए कर्मियों ने नगर परिषद के बाहर धरना प्रदर्शन किया। सीएचए कर्मियों ने कहा कि उन्हें 4 माह पहले कोरोना योद्धा के तौर पर सीएचए के रूप में भर्ती किया गया था, मगर आज तक हमें वेतन नहीं मिला। हम चिकित्सा विभाग जाते हैं तो वह बोलते हैं कि नगर परिषद जाएं, और नगर परिषद जाते हैं तो चिकित्सा विभाग भेज दिया जाता है। हम जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से यहाँ पर आकर रह रहे हैं और अब तो मकान किराया भी देना दूभर हो गया है। इसके विरोध में आज हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मांग है कि हमें वेतन दिलाया जाए। साइड के पद पर लगे हुए हैं, हमें 4 महीने से सैलरी नहीं मिली है। मानसिक और आर्थिक दोनों रूप से परेशान हो रहे हैं। हमें सैलरी की, हमारे बहुत सारे साथियों की, कोई किराए के मकान में रह रहा है, कोई बाहर से अप डाउन करता है, सभी को वेतन की आवश्यकता होती है। वेतन हमें जल्द से जल्द दिलवाने की कृपा कराएं, और हम ये कोरोना के ऐसे कठिन समय में हम कार्य कर रहे हैं, हमें अतिशीघ्र परमानेंट करने की कृपा करा रहे हैं। जो अपने भिलवाड़ा जिला के कोविड सहायकों के लिए पूरे राजस्थान में एक वैकेंसी निकाली थी सीएचए नाम, कोविड स्वास्थ्य सहायक के नाम से। इन्होंने हमें क्या कि पूरे भिलवाड़ा जिला से लेकर पूरे राजस्थान में ये 25,000 से कम वैकेंसी निकाली है। इसका कोई अभी तक 4 महीने हो गए, कहीं तो 6 महीने हो गए, कहीं 9 महीने भी होने में आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कहीं पर भी कोई मानदेय नहीं दिया गया है। अब गवर्नमेंट सरकार तो ये कहती है, मतलब चिकित्सा विभाग तो ये कहता है कि अब नगर परिषद वाले पेमेंट करेंगे, और नगर परिषद ये बोलता है कि भाई आप चिकित्सा विभाग का काम किया तो चिकित्सा विभाग आपका पेमेंट करेगा। अब हमें यही कंफ्यूजन है कि भाई कि हमारा पेमेंट कौन देगा, पहली चीज़ तो। और जैसे कि अभी तक देखा जाए तो वैसे राजस्थान सरकार ने ये 25,000 लोगों को एक जैसे ये समझा कि भाई जैसे पागल समझ के हमें 25,000 लोगों को ज्वाइनिंग दी है। 1140 के समथिंग भिलवाड़ा जिला में सीएचए हैं। आर्थिक समस्या से इतने जुझारू हो रहे हैं कि मानसिक और आर्थिक का शोषण हमें झेलना पड़ रहा है।